सफलता का सातवां आध्यात्मिक नियम है द लॉ ऑफ धर्मा। धर्मा संस्कृत में उसको कहा जाता है पर्पज इन लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। तो आपके जिंदगी का उद्देश्य क्या है। यह लॉ में ऐसा बोला गया है कि हर व्यक्ति में एक भगवान है, भगवान का रूप है, देवत्व है, देव जैसा है हर आदमी, हर आदमी में। और वो देवत्व जो है वो हर आदमी में है और वो कुछ ना कुछ ढंग से वो बाहर आने की कोशिश करता है। अब बाहर कैसे आएगा देवत्व, तो वो बॉडी से ही आएगा, बॉडी से एक्सप्रेस करेगा। उसकी अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो बॉडी से आएगा। तो वो देवत्व जो है, हर आदमी देव जैसा है, भगवान जैसा है, तो भगवान जैसा जो रूप है वो बाहर आने का तरीका है। बॉडी वो जो स्पिरिट है, वो जो देवत्व है, वो जो सेल्फ है, वो हमारे बॉडी से बाहर आ रहा है। अभी ये इसमें ये लॉ में ये बोला है कि भाई हर आदमी में एक अद्वितीय प्रतिभा है, यूनिक टैलेंट है, अद्वितीय प्रतिभा, कि वो जो करता है ना वो बेस्ट करता है और वो बाकी लोगों से बहुत अच्छा करता है। और वही आदमी में मतलब वो पैशनेट है वो काम करने में, बहुत पैशनेट है। और वो जो यूनिक टैलेंट उसका अद्वितीय प्रतिभा है वो बाहर अभिव्यक्त करने के लिए भी उसके पास में एक यूनिक वे है, अद्वितीय वे है। मतलब वो बाहर भी बताता है तो उसके पास में भी एक अलग एक्सप्रेशन है उसका, अद्वितीय मार्ग है उसका अभिव्यक्त करने का। अभी देखो ये जो यूनिक टैलेंट है और उसको अभिव्यक्त करने का अद्वितीय तरीका है, अभी ये जो है ये जोड़ दिया नीड्स के साथ। नीड्स मतलब जरूरत, गरज। नीड क्या है, अपनी गरज क्या है, उसके साथ में तो लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। इसका मतलब ही क्या है कि समझो एखादे पास में यूनिक टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है, अद्वितीय प्रतिभा है, प्रतिभा संपन्न है कि उसके पास में गाना गाने की प्रतिभा है और वो एक्सप्रेस करने की भी उसकी एक तरीका है, उसका यूनिक तरीका है। अब ये जो है यूनिक टैलेंट और यूनिक एक्सप्रेशन, अभी ये गरज क्या है हर आदमी की, पहले उसकी गरज जो है, नीड जो है कि भाई पैसा होना, रोटी कपड़ा मकान होना। अब वो पूरा करने के लिए जो गरज है पूरा करने के लिए जो यूनिक टैलेंट है वो वापर लिया तो देखने का काम ही नहीं। हम क्या करते हैं, जो यूनिक टैलेंट है उसको बाजू में रखते हैं, जो एक पैशन है वो पैशन बाजू में रखेंगे, जो इच्छा नहीं वो काम करते रहेंगे जिंदगी में। 95% लोग ये बोलते हैं कि यार काम करने का बहुत मतलब आलसीपना हो गया, बहुत जान पे आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा लगता है कब रिटायर हो जाऊँ, ये काम बंद कर दूंगा मैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ऑथर दीपक चोपड़ा इन्होंने बोला हुआ है कि मैं मेरे बच्चों को कभी ये नहीं बोला कि आप बहुत पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मार्क लाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने 4 साल की उम्र से मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप खाने पीने की चिंता मत करो, मैं खाने पीने के लिए आपको जितना चाहे उतना दे दूंगा खाने पीने के लिए, मगर आपके पास में जो अद्वितीय प्रतिभा है, यूनिक टैलेंट है, तो उसको अभिव्यक्त करो, लोगों में बताओ। और वो देखो कि आपके पास में जो यूनिक टैलेंट है, वो जो पैशन है, वो जो एक्सप्रेस करते हो आप, उससे आप ह्यूमैनिटी को मतलब ये इंसानियत को, इंसान को, लोगों को किस तरह आप सर्व कर सकते हो, सेवा दे सकते हो। मतलब आप कोई बारे में पैशनेट है, आपको वो टैलेंट है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत मार्क्स लाओ, आप वो टैलेंट का इस्तेमाल करो, लोगों को मैं कैसा सेवा दे सकता हूँ, लोगों की मैं कैसी सेवा कर सकता हूँ, उसके लिए लाओ। मेरे बच्चों ने वो किया और वो करने के बाद में उनको इतने अच्छे मार्क मिले, इतने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में गए, इतना पैसा उनके पास में आया है अनगिनत। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो था प्रतिभा थी उनका उन्होंने वापर किया, किसके लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए। इसमें 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट जो है वो बोलता है, पहला कंपोनेंट उसमें कहा है कि भाई आप यहां ये दुनिया में आए हो ट्रू सेल्फ, अपना जो सत्य स्व है उसको खोजने आप आए हो, आप में जो भगवान है, आप में जो देवी है, आपका जो हाइयर सेल्फ है, वो जो कोई धर्म में आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, उसको खोजने आप आए हो, उसके साथ जुड़ने के लिए आए हो, नंबर 1। नंबर 2 लॉ ऑफ धर्मा ये बोलता है कि आपके पास में जो प्रतिभा है, अद्वितीय प्रतिभा, यूनिक टैलेंट जो है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है एक अद्वितीय वे से,
और वो प्रतिभा का आविष्कार करना है लोगों के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए। व्यक्ति में दूसरा कंपोनेंट है कि हर व्यक्ति में एक प्रतिभा है और वो अद्वितीय प्रतिभा है और उसको एक्सप्रेस करना है अद्वितीय तरीके से, अभिव्यक्त करना है अद्वितीय तरीके से, वो करता रहता है आदमी। और तीसरा कंपोनेंट ये है कि आप में जो प्रतिभा है उसको आप इंसान, ये दुनियादारी को, ये दुनिया को, ये लोगों को सेवा देने में कैसा इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप में जो एबिलिटी है, आप में जो कैपेसिटी है, आप में जो कलाकारी है, आप में जो यूनिक टैलेंट है, आपका जो पैशन है, वो पैशन यदि हम लोगों को सेवा देने के लिए और उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए वापरते हैं तो आपको कभी पैसा कमी नहीं पड़ेगा। इतना अबंडेंस में पैसा आएगा कि आप गिनती भी नहीं कर सकोगे, इतना पैसा आएगा। तो हर बार आपको क्या करना है, हर बार आपको पूछना है मैं कैसी सेवा कर सकता हूँ लोगों को, लोगों की ज़रूरतें मैं कैसी पूरी कर सकता हूँ, रादर देन कि इसमें मेरे को क्या फ़ायदा है, ये मैं करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा, नहीं मैं लोगों की ज़रूरतें कैसी पूरी करूँगा, ये हर बार आपको अपने आप को सवाल करना है। जब मैं लोगों की ज़रूरतें कैसी पूरी करूँगा, लोगों की कैसी सेवा करूँगा, ये जब मेरे दिमाग में रखता हूँ, इसका मतलब मैं मेरे ईगो से बाहर आया हूँ। आप ईगो लेस हो, ईगो नहीं है फिर आप में, क्योंकि जब मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, वो काम है ईगो का। तो आपको लॉ ऑफ धर्मा जो है, धर्म, उसका यदि इस्तेमाल करना है तो आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। नंबर एक कि मैं, मेरा जो हायर सेल्फ है, मेरा जो आत्मा है, मेरा जो स्व है, उसकी खोज करूँगा, जो ईगो के ऊपर है, वो ईगो नहीं है। ईगो तो ये मास्क है बाहर से पहना हुआ। नंबर दो, मैं मेरे अद्वितीय प्रतिभा जो है मेरे में, मेरा पैशन जो है, मेरा जो यूनिक टैलेंट है, उसकी खोज करूँगा और उसका इस्तेमाल करके जो मेरी ज़रूरत है उसको पूरा करूँगा। उससे मेरे ज़िंदगी में बहुत विपुलता आएगी, बहुत संपन्नता आएगी, बहुत अमीरी आएगी। नंबर तीन है कि मैं हर बार ये पूछूँगा कि यह दुनियादारी को, यह इंसान को, इंसानियत को मैं कैसी सेवा दे सकता हूँ, मेरे में जो यूनिक टैलेंट है उससे मैं लोगों को सेवा कैसे दे सकता हूँ। फिर अपने आप को ये पूछना है कि यदि मेरे लिए पैसा कमाना ये कोई चिंता नहीं है, ये कोई बात ही नहीं मेरे में कि पैसा कमाना पड़ता है मेरे को, ये कोई बात ही नहीं है, तो फिर आप कौन सा काम करेंगे। यदि आपके पास में विपुल पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है कि आपको ज़िंदगी में पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा आपके पास में आया हुआ है, तो फिर आप कौन सा काम करेंगे। क्या आप वही काम करेंगे जो आप अभी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास में वो पैशन है और आप पैशनेटली काम कर रहे हो। लोग बोलते हैं हाँ मैं वही काम करूँगा, मेरे पास में बहुत पैसा आया तो फिर मैं पूछता हूँ मेरे तरफ से कि क्या आप जो काम कर रहे हैं वो काम फ्री में करेंगे, यदि आपको पैसा भी नहीं मिलता है तो भी काम करेंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको पैसा भी नहीं मिलता है, आपको कोई वाहवा भी नहीं मिलती है, आपकी कोई प्रशंसा भी नहीं मिलती है, और आप वो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बिना कोई लालच, बिना कोई पैसा, बिना कोई रिजल्ट, और आपको आनंद मिल रहा है, तो समझना कि आपका यूनिक टैलेंट, आपका पैशन बाहर आ रहा है, वो आपका यूनिक टैलेंट है। कि आप बिना पैसे का भी, बिना प्रशंसा, बिना कुछ रिवार्ड, बिना कोई बख्शिश, बिना कोई फायदा, आप वो काम करते जा रहे हो, उसको बोलते हैं यूनिक टैलेंट। तो आपको क्या करना है, आपको आप में का देवत्व जो है उसकी खोज करना है, आपका जो यूनिक टैलेंट है उसको ढूंढना है और देखना है कि मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप में लोगों की फ्री में सेवा करना है, आप पैसे ले सकते हो, मगर मैं लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ मेरे यूनिक टैलेंट से, और वो यदि आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा कि आप समेट भी नहीं पाओगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।